नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लोना, आईसीसी एकेडमी अबोहर से। आज हम लोग जी P SSB एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर जो कि 21 मई को हुआ था, इसका जीके का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी पंजाब जीके हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, विच इंडियन टीम वन द रणजी ट्रॉफी टाइटल इन 2023। 2023 का रणजी ट्रॉफी का टाइटल जो है जी, किस इंडियन टीम ने जीता? ये जीता है जी सौराष्ट्र ने। इसका आंसर बी आएगा। देखो जी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, रणजी ट्रॉफी है क्या? ये डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट की चैंपियनशिप है जो कि इंडिया में खेली जाती है। कितनी टीम के बीच में? वर्तमान में इसमें 38 टीम है जी। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब होती है? ये शुरुआत होती है 1934-35 में। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? BCCI के द्वारा, यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। जो 2023 वाली ट्रॉफी है जी, इसमें सौराष्ट्र विनर निकला है और रनर अप कौन आया है? बंगाल। आपकी नॉलेज के लिए जी, अब तक जो भी रणजी ट्रॉफी हुई है उसमें टॉप मोस्ट कौन रहा है? मुंबई। मुंबई ने ट्रॉफी कितनी बार जीती है? 41 बार, और 6 बार जो है मुंबई रनर अप के रूप में भी आया है। अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो वो रहा है कर्नाटका, या फिर मैसूर बोल देते हैं। ये 8 बार विनर रहा है और 6 बार ये भी रनर अप रहा है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, विच इज द वेन्यू ऑफ एशियन गेम्स 2023। देखो, इसका वेन्यू है चाइना। इसका आंसर बी आएगा। देखो, जैसे कि हम लोग जानते हैं, एशियन गेम जो है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? दिल्ली से। इंडिया में, दिल्ली में ये पहली एशियन गेम खेली गई है। कब जी? 1951 में। और सेकेंड टाइम इंडिया में हुई है 1982 में। एशियन गेम इंडिया में 2 बार हुई हैं, और ओलंपिक गेम इंडिया में कभी भी नहीं हुई थी। एशियन गेम हर 4 साल बाद होती हैं। अब की बार जो एशियन गेम है ये 2022 में ड्यू थी, लेकिन कई कारणवश ये चाइना में अब तक हो नहीं पाई है। ये अब कब होनी है? सितंबर 2023 में। मैंने आपको इसको याद करने का तरीका बताया था, ऐसे आईसीजे जाओगे, ऐसे से क्या बन गई? एशियन गेम्स। आईसीजे, आई फॉर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में लास्ट एशियन गेम हुई थी, यानी 2018 वाली। सी से बन गया जी चाइना। चाइना में ये जो वर्तमान वाली है ये होनी है, यानी 2022 वाली, जो कि होंगी कब? अब 2023 में, सितंबर में। और जे से क्या बन गई? जापान। जो नेक्स्ट वाली एशियन गेम है, यानी 2026 वाली, ये कहां पे होनी है? जापान में। वैसे उसके बाद वाले भी अब फाइनल हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं कतर। कतर में 2030 वाली गेम होनी है, और सऊदी अरेबिया, इसमें 2034 वाली एशियन गेम होनी है। वैसे ज्यादातर पेपरों के लिए आपके लिए 3 ही याद हो, यही बेटर है जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन द दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023। देखो जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं जी, DPIFF दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ये हर साल दिए जाते हैं। और जो 2023 वाला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है, ये मिला है आलिया भट्ट को। तो इसका आंसर ए आएगा। ये आलिया भट्ट को कौन सी मूवी के कारण मिला है जी? ये मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी। अगर हम बात करें बेस्ट एक्टर के अवार्ड की, तो ये किसको मिला है? ये मिला है रणबीर कपूर को, ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। और जो बेस्ट फिल्म गई है इसमें, ये कौन सी? कश्मीर फाइल्स। और आउटस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है जी, रेखा को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं जी,
विच वॉज द फर्स्ट इंडियन मूवी टू विन एन ऑस्कर इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन। ये मूवी थी जी गांधी। इसका आंसर सी आएगा। आपकी नॉलेज के लिए जी, गांधी मूवी जो है ये 1982 में आई थी और इसको कितने ऑस्कर अवार्ड मिले थे? 8। यहां पे एक क्वेश्चन जो अक्सर डाउट में डालता है वो यही है, हम कहते हैं किसी भी इंडियन मूवी को कोई ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला, तो गांधी को जब 8 मिले हैं तो ये क्यों नहीं गिनी जाती? गांधी मूवी जब ऑस्कर के लिए गई थी तो ये कनाडा की तरफ से गई थी, तो इसलिए इसे इंडियन मूवी की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाता। लेकिन जो इसका बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड दिया गया था, ये जिसको मिला था वो कौन था? इंडियन। उसका नाम क्या था? भानु अथैया। अगर ये पूछता है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर अवार्ड इन द बेस्ट कंज्यूमर डिजाइन, तो फिर आंसर आता है भानु अथैया। आपकी नॉलेज के लिए आज तक इंडिया की तरफ से 3 ही मूवी नॉमिनेशन के लिए गई हैं। ये कौन सी थी जी? पहली मूवी गई है 1957 में, इसका नाम क्या था? मदर इंडिया, नरगिस वाली मूवी जी, पता होगा आपको। उसके बाद गई है 1988 में सलाम बॉम्बे, और उसके बाद गई है 2001 में लगान, आमिर खान वाली। इंडिया की तरफ से हर साल कोई ना कोई मूवी यहां पे भेजी जाती है, लेकिन वो नॉमिनेशन की कैटेगरी में ही नहीं आ पाती। और आपको पता होगा पहला इंडियन जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अवार्ड दिया गया था, ये कौन था? ये सत्यजीत रे। इनको अवार्ड कब दिया गया था? 1992 में। ये बंगाली फिल्म मेकर थे। और आपको पता ही जी 2023 में यानी 95th ऑस्कर अवार्ड्स या एकेडमी अवार्ड जिसको हम बोल देते हैं, ये इंडिया को 2 मिले हैं। कौन से जी? एक तो RRR मूवी सुनी है आपने जी, इसमें गाना था नाटू नाटू, तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड इसको मिला है। दूसरा मिला ये एक मूवी है द एलिफेंट विस्पर्स, इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट के लिए अवार्ड दिया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। द टाइमलेस इंडियन नॉवल देवदास वॉज रिटन बाय, देखो ये एक देवदास नाम का नॉवल हुआ है, ये किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया था सर चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका आंसर डी आएगा। देवदास जी जिसके ऊपर 2 मूवी भी बन चुकी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, बीसी चटर्जी के नाम से जिसको हम जानते हैं, इन्होंने क्या लिखा था? वंदे मातरम। इनकी किताब थी मानंद मठ, जिसमें पहली बार ये पब्लिश हुआ था। और इसे पहली बार कब और कहां पे गाया गया था? 1896 में गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में। वंदे मातरम हमारा क्या है जी? नेशनल सॉन्ग। और रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने हमारा क्या दिया है? नेशनल एंथम, जनगणमन। जनगणमन को पहली बार 1911 के सेशन में गाया गया था, यह भी कहां पे? कलकत्ता में। जनगणमन को पूरा गाने के लिए कितना वक्त लगता है? 52 सेकंड्स। और वंदे मातरम को गाने के लिए वक्त लगता है 65 सेकंड्स। मिर्जा गालिब का नाम तो सुना ही आपने जी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो हमें पूछा गया है इनमें से कौन सा आर्टिकल 21 के परव्यू से बाहर है, आउट ऑफ द परव्यू, यानी अनुच्छेद 21 के दायरे तो बाहर है। देखो आपने पढ़ा हुआ है आर्टिकल 21 है क्या? प्रोटेक्शन फॉर लाइफ एंड लिबर्टी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं जी? राइट टू लिव। हम लोगों को जीने का अधिकार है, और जब हम बात करते हैं जीने का अधिकार है तो हमें एक इज्जत वाली जिंदगी जीने का अधिकार है, सम्मान वाली जिंदगी जीने का अधिकार है जी।
तो आप इसको देखिए, राइट टू लाइफ तो ये दे रखे, ये तो अधिकार है ही। इसको ऊपर देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस। लेडीज जहां पे काम करने जाती हैं वहां पे उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो तो इसके लिए भी प्रावधान दिया गया है। राइट टू लिवलीहुड, ये भी इसी कैटेगरी में आता है, यानी रोजी रोटी कमाने का भी हमें अधिकार है। तो इसका आंसर तो आएगा जी कैपिटल पनिशमेंट, यानी ए। देखो जीने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि फांसी की सजा से कोई बच सकता है। कानून अपनी जगह अपना काम करेगा, अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए अगर फांसी भी होती है तो उसको दी जाती है। आपकी नॉलेज के लिए आर्टिकल 21 में ही एक सेक्शन ऐड किया गया था 21A, ये कह रही राइट टू एजुकेशन। इसके लिए 86th अमेंडमेंट पास की गई थी, ये अमेंडमेंट हुई थी 2002 में। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया था, 6 से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं इनको राइट टू एजुकेशन है। और इसके साथ ही एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई थी, जो पेरेंट्स हैं ये गार्डियन है वो बच्चे को एडमिट तो कराएं स्कूल में जाकर के। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये 10 की बजाय अब कितनी होगी, 11। ये बात अलग है कि राइट टू एजुकेशन जो है जी इसको एक्ट बनते बनते भी कई साल लग गए। ये एक्ट कब बनता है, 2009 में, और एप्लीकेबल कब होता है, 1 अप्रैल 2010 से। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देख रहे हैं। फॉर हाउ मच टाइम ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। इसका आंसर आता है 6 मंथ, इसका आंसर सी बनेगा। देखो 6 मंथ जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है। कैसे है वो आप देखिए, कोई आदमी लोकसभा का भी मेंबर नहीं है, राज्यसभा का भी मेंबर नहीं है, उसके बावजूद जो है ये मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, विद इन 6 मंथ इसे दोनों में से एक हाउस का मेंबर बनना जरूरी है। इसके आप एग्जाम्पल देखिए जी, पीवी नरसिम्हा राव जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए। जब ये प्रधानमंत्री बने हैं उस वक्त ये दोनों हाउस में से किसी के भी मेंबर नहीं थे, बाद में इन्होंने लोकसभा के इलेक्शन लड़के वहां की मेंबरशिप ली। जो प्रेजिडेंट रूल है, प्रेजिडेंट रूल जो लागू किया जाता है ये एक बार 6 मंथ के लिए ही लागू किया जाता है। और लोकसभा और राज्यसभा की जो मीटिंग्स होती हैं इनके बीच जो गैप है मैक्सिमम कितने पीरियड का होता है, 6 मंथ का। अगर कोई मेंबर जो है किसी भी हाउस का है तो उसकी डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर जाता है तो उस पोस्ट को रिफिल करने के लिए दोबारा वहां पे जो इलेक्शन होने होते हैं वो कितने पीरियड के अंदर होने होते हैं, 6 मंथ के। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 देख रहे हैं। द इलेक्शन कमीशन एडवाइजेज होम ऑफ द फॉलोइंग ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। देखो स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी अयोग्यता से संबंधित यानी डिसक्वालिफिकेशन संबंधित जो चौन कमीशन होता है यानी इलेक्शन कमीशन, वो इनमें से किसको सलाह देता है, ये सलाह देता है ये राज्यपाल यानी गवर्नर को। इसका आंसर ए आएगा। देखो जैसा कि आप लोग जानते हैं सेंटर में जो पोजीशन प्रेसिडेंट की होती है वो स्टेट में पोजीशन किसकी होती है, गवर्नर की। तो इसलिए सलाह किसको दी जाती है, गवर्नर को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 देख रहे हैं। व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन द गैस एंड द सराउंडिंग्स। देखो क्या दे रखा है, असी उस प्रक्रिया नु की कहते हैं जिस विच गैस अते आले दुआले दे विचकार ताप ऊर्जा का कोई वटांदरा नहीं होता, यानी एक जैसा ताप होता है, इसको बोलते हैं जी एडियाबैटिक। इसका आंसर ए आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देख रहे हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है किस दी वधेरे मात्रा विच मौजूद होने कारण पैदा होता है, ये होता है मिथेन की। इसका आंसर डी आएगा।
देखो मैंने आपको कराया हुआ है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, कौन सी गैसेस हैं। आपने एक लाइन पढ़ी थी जी, ओ मीना कल काजल लगाना, इससे आपको सारा क्लियर हो जाता है। ओ से क्या होता है, ओजोन, ओजोन जिसको हम O3 बोल देते हैं, और इसकी एटमॉस्फेयर में मात्रा कितनी होती है जी, लगभग 3 से 7%। मीना, मी से बन गया जी मिथेन, मिथेन जिसको CH4 के नाम से हम जानते हैं, इसकी परसेंटेज होती है 4 से 9%। ना, ना से हो गए नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O बोल देते हैं। उसके बाद आगे कल, कल से हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFCs बोल देते हैं। काजल, का से क्या हो गया जी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बोल देते हैं जिसको, इसकी परसेंटेज होती है 9 से लेकर 26% तक। जल, जल से क्या आ जाएगा जल वाष्प जिसको वाटर वेपर्स बोल देते हैं, इसकी परसेंटेज होती है जी 26 से लेकर 72% तक। तो गौर कीजिए यहां पे मात्रा ज्यादा दे रखी है कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है हमें, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। तो इनमें से मेन क्या आता है जी, मिथेन, तो इसका आंसर डी आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 देख रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द परमिसिबल नॉइस लेवल फॉर रेजिडेंशियल एरियाज फॉर डे टाइम एज डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB। देखो क्या पूछ रहा है हमें, जो नॉइस लेवल की परमिसिबल लिमिट है रेजिडेंशियल एरिया के लिए, और वो भी कब, डे टाइम में, वो कितनी है। ये है जी 55 decibels, इसका आंसर ए आएगा। देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में। ये किसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है, अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। यानी आपसे अगर वाटर वाला एक्ट पूछ लेता है तो वो भी कब पास हुआ था, 1974 में। बाद में इसके अंतर्गत ही एयर वाला एक्ट भी लिया है जी, और एयर वाला एक्ट कौन सा है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, ये एक्ट है 1981 वाला, और इसी के अंतर्गत बाद में EPA जो है ये पास किया गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये हमें परमिसिबल लिमिट्स बताता है। जहां तक रेजिडेंशियल एरिया की अगर हम बात करें तो इसकी परमिसिबल लिमिट जो है वो कितनी है, ये डे टाइम में 55 है और नाइट के वक्त में ये 45 है। आपको ये तो पता ही है, जो साउंड है जी ये किस में मापी जाती है, डेसिबल्स में। अगर हम कमर्शियल एरिया की बात करें, क्योंकि ऊपर तो हमने रेजिडेंशियल एरिया लिया है, तो कमर्शियल एरिया की परमिसिबल लिमिट कितनी है, 65 एंड 55। यानी 65 डे टाइम में और नाइट के वक्त में कितनी है, 55। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया की, तो इसकी लिमिट कितनी है जी, 75 एंड 70। हम लोग जो नॉर्मली साउंड सुन सकते हैं वो कितने डेसिबल तक होती है जी, 80 डेसिबल तक। 80 डेसिबल से ऊपर वाली जो साउंड होती है वो हमें सुनाई तो देती है लेकिन समय आनी बंद हो जाती है। मान लीजिए आप किसी स्पीकर के सामने खड़े हो तो गूंगू की आवाजें आएंगी, समझ नहीं आएगा भी क्या बोल रहे हैं। और अगर ये लिमिट है 120 डेसिबल से ऊपर चल जाती है तो आदमी के बहरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। आपको याद हो जी BP के लिए भी यही लिमिट होती है। ये जो 80 डेसिबल है किसी किसी जगह पे ये 85 भी दिया हुआ है। जो हॉस्पिटल्स हैं यहां पे परमिसिबल लिमिट कितनी है जी, ये होती है 30 to 40। यानी जो रूम वगैरह है उसमें 30 होती है, अदरवाइज वहां पे क्या होती है, 40। और जो विस्परिंग की जाती है जिसको हम कानाफूसी बोल देते हैं, इसकी भी लिमिट क्या होती है जी, 30। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 देख रहे हैं। विच ऑफ दीज लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द ओजोन लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द अल्ट्रा वायलेट लाइट। देखो ये एक चीज तो आपको पता ही होगी, इधर जो है हमारे पास सन दे रखा है और इसकी जो रेज हैं ये हमारे ऊपर सीधी नहीं आती हैं,
ये आप कह लीजिए इस तरीके से आती है, सलेंटिंग रेज, मतलब ये ओजोन से क्रॉस होकर के जाती हैं। ओजोन लेयर जो है ये हमें प्रोटेक्ट करती है। अब ओजोन में जैसे होल हो गया है तो इसके कारण सीधी किरणें हमारे पर पड़ने का खतरा बढ़ गया है, जिस कारण हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है। हमें पूछा गया ये ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में होती है, ये होती है जी स्ट्रेटोस्फेयर में, इसका आंसर सी आएगा। देखो ये लेयर मैंने आपको कराई थी, लेयर में आपने ये एक लाइन पढ़ी थी, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ट्रस्ट टीआर से क्या बन गया था, ट्रोपोस्फेयर जो कि पहली लेयर है जी, एसटी से क्या बन गया स्टेटोस्फेयर, ये दूसरे वाली लेयर आ गई है, मी से बन जाता है जी मेजोस्फेयर, ये तीसरे वाली लेयर है, इन से क्या बनता है आयोनोस्फेयर, इसी का ही दूसरा नाम है थर्मोस्फेयर, ये चौथी लेयर है, या आप चाहिए तो द से थर्मोस्फेयर बन जाएगा ये, और एग्जाम से क्या बन जाता है एग्जोस्फेयर, ये पांचवी लेयर है। अब हम बात कर रहे हैं ओजोन लेयर की, ओजोन लेयर कहां पे होती है, ये जी धरती से 16 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक के दायरे में होती है, जो 23 से 25 किलोमीटर का दायरा होता है यहां पे आकर के ये बड़ी संघनी हो जाती है, संघनी मतलब डेंस फॉर्म में आ जाती है। 16 से आप याद रख लीजिए जी, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16th of September। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 देख रहे हैं, विच कंट्री इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। देखो ये ग्रीन हाउस गैसेस हमने पीछे अभी पढ़ाई है, सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहा है पर कैपिटा पूछा हुआ है, तो पर कैपिटा के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो कौन आता है, यूएसए, इसका आंसर बी आएगा। देखो इसको आप बड़ा इजीली समझ सकते हो, चाइना और इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है तो इनका पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या बना, यूएसए। आगे देखते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2022 हैज बीन शेयर्ड बाय 3 साइंटिस्ट्स फॉर देयर वर्क इन विच फील्ड, किस फील्ड में जी फिजिक्स का ये 2022 का नोबेल प्राइज दिया गया है, 3 साइंटिस्ट ने शेयर किया है, फील्ड कौन सा इनका, क्वांटम फिजिक्स, इसका आंसर बी आएगा। ये आजकल बड़ा चर्चा में है जी, क्वांटम मैकेनिक्स। देखो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसके ऊपर बड़ा तेजी से काम चल रहा है, क्वांटम कंप्यूटर की बात की जा रही है, क्वांटम कंप्यूटर में जब भी हमें सफलता मिल जाएगी तो आप मान लीजिए जी जो हमारे कंप्यूटर आज के चल रहे हैं उनसे कई गुना इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी क्वांटम के ऊपर बेस्ड जो कंप्यूटर होंगे वो बड़े ही एडवांस लेवल पे होंगे, आप ये कह सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देख रहे हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया। देखो ये G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, इसकी जो लेटेस्ट समिट है यानी 2023 वाली, ये कहां पे हो रही है, इंडिया में। इसका थीम पूछा गया है, इसका थीम है जी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसका आंसर सी आएगा। आपकी नॉलेज के लिए एक चीज पता होनी चाहिए, G20 की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी जी 26 नवंबर 1999 को। इसके कितने कंट्री मेंबर हैं, नाम ही बता रहे हैं G20, इसके जो मेंबर कंट्री है वो कितने हैं जी 20। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 देख रहे हैं, चूज द इनकरेक्ट एसिड सोर्स पेयर। हमें जी एसिड के कुछ एक सोर्स पेयर दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। देखो पहला दे रखा है सिट्रिक एसिड, इसके सामने दे रखा है लेमन, ये बिल्कुल ठीक है जी। सिट्रिक एसिड किसमें होता है, जो कि सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया वगैरह जी, इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। बी दे रखा है लैक्टिक एसिड सोर मिल्क, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी जो है जी ऑक्सैलिक एसिड एंड स्टिंग, ये गलत है जी,
तो हमें रॉन्ग पेयर ही बताना था, इसका आंसर सी आएगा। चौथा जो दे रखा है मेथोनिक एसिड ये नेटस्टिंग, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जी आपको एसिटिक एसिड भी पता होगा, ये किससे रिलेटेड है, विनेगार। विनेगार जी जिसे आप लोग सिरका भी बोल देते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फ्लावर, इन में से कौन सा फ्लावर का पार्ट नहीं है, ये पूछा गया है। इसको हम जी एक पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे एक फ्लावर की पिक्चर दे रखी है। फ्लावर के बेसिकली चार पार्ट होते हैं, कौन कौन से। एक पार्ट तो होता है पेटल, ये आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है जिसको आप लोग बोल देते हो पंखुड़िया, तो ये पहले वाला तो ठीक है जी। दूसरा दे रखा है सेपल। सेपल क्या है जी, ये नीचे वाली जो पत्तियां होती हैं इसके लिए यूज करते हैं, तो ये भी दे रखा है, ये भी ठीक है। तीसरा इसका पार्ट जो है जी, ये वाला दिखा रखा है बीच वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पिस्टिल, ये भी ठीक है। पिस्टिल के आगे पार्ट दे रखे हैं स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। और चौथा इसका पार्ट है जी स्टेमन। स्टेमन क्या है, इसके साथ में जो छोटी छोटी पत्तियां सी निकल आती हैं और उसके ऊपर फ्लावर वगैरह जो बन जाते हैं, तो जो फ्लावर वाला पार्ट है इसको क्या बोल देते हैं, एंथर। और जो ये पत्तियां सी छोटी सी निकली हुई इसको क्या बोल देते हैं, फिलामेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, पेरिकार्प इसका पार्ट नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 देख रहे हैं। ए मार्केट स्ट्रक्चर डोमिनेटेड बाय ओनली ए फ्यू फर्म्स इज कॉल्ड। देखो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया है। एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें कुछ एक फर्म्स जो है डोमिनेट करती हैं, इसको बोलते हैं ओलिगोपोली, इसका आंसर सी आएगा। देखो चार वर्ड हमें दे रखे हैं। सबसे पहले आप देखिए मोनोपोली क्या होता है, जिसको एकाधिकार बोल देते हैं, यानी जो सप्लायर है वो एक ही है। एक सप्लायर कह सकते हो, एक सेलर कह सकते हो, जो मर्जी वर्ड यूज कर लीजिए आप। जब एक सेलर है तो ऑटोमेटिकली मान के चलिए वो जो भी रेट डिसाइड कर देगा तो वो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी रेट डिसाइड करने का अधिकार इसी के पास होता है। तो इसलिए सरकार नहीं चाहती कि मोनोपोली जो है मार्केट में एग्जिस्ट करे। दूसरा है तजी परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो सेलर है और जो बायर है दोनों ही जो है जी बड़ी मात्रा में है। यानी आपने कोई चीज लेनी है, मान लीजिए आपने एक पेन खरीदना है, तो आपके पास सिर्फ एक सेलर नहीं है, आपके पास अनगिनत दुकानें हैं जहां से मर्जी आप खरीद लीजिए, आपके पास बार्गेनिंग पावर पूरी होगी। तो दूसरी तरफ से जो सेलर है उसके पास बायर भी अनगिनत हैं, तो उसको भी कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता अगर आप किसी दूसरे दुकानदार के पास चल जाते हो, क्योंकि इसमें मार्जिन जो है एक लिमिटेड सा चलता है, जबकि मोनोपोली में मार्जिन बहुत ज्यादा था। अब आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे नंबर ऑफ सेलर जो है ये लार्ज होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लेकिन यहां पे होता क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है, यानी प्रोडक्ट में अंतर मिलेगा आपको। जैसे कि हम देखते हैं जी सोप है, सोप अनगिनत तरह की आती है, एक दुकानदार के पास जाओगे उसके पास जी चार तरह की वैरायटी पड़ी है, दूसरे के पास छह तरह की वैरायटी पड़ी है। इसकी पैकिंग का साइज भी अलग अलग मिल जाएगा आपको, इसका रेट भी अलग अलग मिल जाएगा। टूथपेस्ट भी इसकी एग्जांपल है, ऐसी अनगिनत चीजें आपको मिलेंगी, टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कोल्ड ड्रिंक एटसेट्रा जी। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में क्या होता है, नंबर ऑफ सप्लायर जो है या नंबर ऑफ सेलर जो है ये फ्यू होते हैं, यानी कुछ होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 देख रहे हैं। विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये बजट को कहा गया है, तो बजट का हमसे आर्टिकल पूछा गया कौन सा है, ये है जी आर्टिकल 112, इसका आंसर बी आएगा। आपने ये मनी बिल पढ़ा हुआ है, मनी बिल का आर्टिकल पढ़ा है 110,
इसका मैंने तरीका बताया था, जब आप मनी लिखते हो तो ये बन गया जी M, तो ये गौर कीजिए ये 110 बन रहा है, तो इससे आपको याद रहता है। मनी बिल का आर्टिकल 110 है और बजट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आर्टिकल कौन सा, 112। 111 आर्टिकल किससे संबंधित है जी, प्रेसिडेंट ने जो बिल वगैरह आते हैं उसके ऊपर जो सहमति देनी है इसके बारे में है। 123 आर्टिकल मैंने आपको कराया था, ये किसके रिगार्डिंग है, ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग है यानी अध्यादेश। जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेकर गई है दिल्ली गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, ऑर्डिनेंस जो है ये तुरंत प्रभाव से लागू हो जाता है, यानी प्रेसिडेंट के जैसे ही साइन होते हैं आप इसको ऐसे समझिए 1 2 3 लो जी लागू हो गया। और इसकी कंडीशन क्या होती है, विद इन 6 मंथ इसका लॉ बनना जरूरी होता है। आर्टिकल 223 किससे संबंधित है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इसके रिगार्डिंग उसकी अपॉइंटमेंट कैसी होनी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देख रहे हैं। व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स द सिचुएशन इज, क्या कह रहा है जी, जो तो बहुत ज्यादा पैसा बहुत घट चीजें पीछा करता है वो स्थिति है, इसको बोलते हैं जी इन्फ्लेशन, इसका आंसर बी आएगा। देखो इसको ऐसे समझिए, इन्फ्लेशन क्या है जी, व्हेन मनी मोर देन नेसेसरी इज इन सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन में पैसा ज्यादा है। आपको मैं बड़े इजी वे से ये बताता हूं जी, मान लीजिए जी आपके पास जेब में 10 रुपए हैं और आपने 1 किलो आलू खरीदने हैं, आलू का रेट मान लीजिए आपको मिलता है जी 8 रुपए, तो आप दूसरी जगह पर ट्राई करेंगे, वहां पे वो कहते हैं चलो 7.5 लगा देंगे, आप तीसरी जगह भी हो सकता है ट्राई कीजिए, चौथी जगह भी ट्राई कर सकते हैं, तो इस तरीके से बार्गेनिंग करके आप आलू लेते हैं। अब मान लीजिए आपकी जेब में 10 की जगह 100 रुपए हैं, तो मार्केट में आप एक जगह पे आलू खरीदने गए तो आप कहते हो जी आलू क्या भाव दिए, मान लीजिए वो कहते हैं 10 रुपए, आप कहते हो चलो ठीक है किलो दे दो जी। अब आपने कोई लंबी चौड़ी बार्गेनिंग नहीं की, वजह आपके पास पैसा ज्यादा आ गया जेब में। अब मान लीजिए आपकी जेब में 1000 रुपए है, अब आपने आलू खरीदने हैं तो आप जाके दुकानदार को क्या बोलते हो, भैया एक काम करो यार ये 2 किलो आलू पैक कर दो, कितने पैसे दूं, वो हो सकता है 20 की बजाय 25 भी मांग ले। वजह, अब आपके पास पैसा जरूर से ज्यादा आ गया है और इधर से आप देख रहे हो महंगाई भी बढ़ती जाएगी, इसको क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशन। जबकि डिफ्लेशन जो है इसके बिल्कुल उल्ट होता है, यानी सर्कुलेशन में पैसा जो है कम हो। रिसेशन ये क्या होता है जी, इसको बोलते हैं मंदी। जैसे अभी के हालात हैं, जर्मनी में मंदी शुरू हो चुकी है, अब अमेरिका की बारी है मंदी की। आपने पढ़ा होगा जी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, 1929 वाली जो महामंदी गिनी गई है जी। मंदी में क्या होता है जी, ग्राहक ही नहीं मिलता, चीजें भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लोगों के पास पैसा भी है लेकिन ग्राहक मार्केट में आ ही नहीं रहा है, तो उसको क्या बोल देते हैं, मंदी। डी आंसर दे रखे स्टैगफ्लेशन। अब ये क्या है, देखो जैसा कि नाम ही बता रहा है स्टैग, स्टैग का मतलब क्या होता है, स्टेगनेंट यानी रुक जाना, इकोनॉमी जो है अगर रुक गई है यानी उसकी ग्रोथ जो है बड़ी स्लो हो गई है, पीछे वर्ड है फ्लेशन, इन्फ्लेशन से लिया गया है जी। यहां पे प्राइसेस वगैरह बहुत बढ़ गए हैं और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ गई है, ऐसी स्थिति को क्या बोल देते हैं, स्टैगफ्लेशन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देख रहे हैं। इन विच ईयर लाला लाजपत राय वाज डिपोर्टेड टू मांडले फॉर ऑर्गेनाइजिंग द अग्रेरियन मूवमेंट इन पंजाब, क्या पूछा गया जी, किस साल लाला लाजपत राय नू पंजाब विच खेती अंदोलन जत्थेबंद करन लई मांडले डिपोर्ट किया गया सी। देखो लाला लाजपत राय ने एक बार क्या किया था, खेती अंदोलन को जत्थेबंद किया था, मतलब इकट्ठा किया था, तो इसके लिए उनको
मांडले में डिपोर्ट कर दिया गया था, यानी सजा के रूप में भेज दिया गया था वहां पे। कौन से ईयर की बात है? 1907 की। तो इसका आंसर बी आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 देख रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कुका मूवमेंट इन द पंजाब वाज यवर, जो कुका मूवमेंट है जी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो हमें पता है जो ये कुका मूवमेंट है इसके फाउंडर कौन थे? भगत जवाहर मल। इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1840 में। भगत जवाहर मल के बाद कौन हुआ है जी? बालक सिंह, और उसके बाद हुए है जी राम सिंह। राम सिंह जो है ये कुका मूवमेंट के असली फाउंडर गिने गए हैं, रियल फाउंडर। और इन्होंने कहते हैं इसकी स्थापना कब की है जी? 1857 में, 1857। इन्होंने आर्मी छोड़ दी थी और ये जो है कुका मूवमेंट से आकर के जुड़ गए थे। इनका मेन जो सेंटर था वो कौन सा था? हजराओ। हजराओ कहां पे है? अब ये पाकिस्तान में है। ये लोग गाय की पूजा करते थे। बात आती है जी 1871-72 की। उस वक्त लगभग 60 सिखों को तोप के आगे बांध करके उड़ा दिया गया था। और इस सारे मूवमेंट के लिए जिम्मेवार किसे ठहराया गया था? राम सिंह को। यह घटना कहां पे घटती है? मेन मलेरकोटला में। इसका परिणाम क्या निकला? राम सिंह को बाद में अलाहाबाद भेज दिया गया। और अलाहाबाद के बाद इनको कहां पे ले गए? कलकत्ता में। और कलकत्ता के बाद इनको कहां पे ले गए? रंगून में। और वहीं पे राम सिंह जी की डेथ हो गई है। कब जी? 1885 में। जो कुका मूवमेंट वाले थे, जिनको हम लोग नामदारी के नाम से भी जानते हैं, इनकी बेसिकली टीचिंग क्या थी, शिक्षाएं क्या थी? ये कहते जी हमारी धार्मिक किताब एक ही है। कौन सी? आद ग्रंथ। और ये गुरु किसको मानते थे? गुरु गोबिंद सिंह जी को। ये कहते हमारे एक ही गुरु हुए हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी, सिखों के 10वें गुरु। मूर्ति पूजा में ये लोग विश्वास नहीं करते थे। चाइल्ड मैरिज जो है जी, इसमें भी विश्वास नहीं था इनका। डाउरी सिस्टम में भी इनका विश्वास नहीं था। और इन्फेंटिसाइड यानी नवजात शिशु की जो हत्या है, इसको भी ये लोग गलत ठहराते थे जी। ये लोग प्योरली वेजिटेरियन थे और सफेद रंग के कपड़े डालते थे। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इनमें से कुका मूवमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव था? पहला दे रखा है टू प्योरीफाई सिख रिलीजन ऑफ इट्स अब्यूजेस एंड सुपरस्टिशंस, बिल्कुल ठीक है जी। सेकंड दे रखा है रिवाइवल ऑफ सिख सॉवरेंटी, ये भी ठीक है, ये दोनों ही ठीक है। ये हमें दे रखा है डी में। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 देख रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स इज आल्सो नोन टू बी ए बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। देखो इसकी शुरुआत मानी जाती है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 से। तो इसका आंसर ए आएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 देख रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो ये हमें पूछा गया है 1857 के विद्रोह का पहला शहीद कौन था? ये था जी मंगल पांडे। इसका आंसर सी आएगा। ये घटना घटती है जी 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे नाम का जो सैनिक था, इसने बैरकपुर छावनी में जो कारतूस थे गाय की चर्बी वाले, वो चलाने से इंकार कर दिया था। और इसका रिजल्ट क्या निकला जी? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई जी। तो इस तरह से 1857 का जो विद्रोह था उसमें पहले शहीद कौन थे? मंगल पांडे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 देख रहे हैं जी। द बारदोली सत्याग्रह वाज हेल्ड बाय, जो बारदोली सत्याग्रह था ये किसके द्वारा हेल्ड किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसका आंसर सी आएगा। बारदोली जगह कहां पे है? ये पड़ती है गुजरात में। यहां पे आंदोलन कब हुआ था? 1928 में हुआ। क्या था? ब्रिटिश सरकार ने जो लगान है इसमें बढ़ोतरी कर दी थी लगभग 30%। तो उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जो है इन लोगों के साथ बैठ गए थे धरने पे। उसका परिणाम क्या निकला जी? अंग्रेजों को ये परसेंटेज कम करनी पड़ी।
तो इसमें फिर बढ़ोतरी कितनी रहेगी थी, 6.03%। और यहां के लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को उपाधि दी थी सरदार की, इसीलिए आज भी हम इनको किस नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।